लोकार्पण कर रहे हैं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पुनर्विकसित गोमती नगर रेलवे स्टेशन और कर रहे हैं वर्चुअल शिलान्यास देश भर में 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का। ये अमृत स्टेशन बनेंगे सिटी सेंटर जो हमारी महान संस्कृति लोक विरासत और स्थानीय वास्तुकला को दर्शाएंगे। यहाँ होंगे एयर कॉन्कोर्स, आधुनिक वेटिंग लाउंज, फूड कोर्ट और किड्स प्ले एरिया, पर्याप्त पार्किंग की सुविधा, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और आवागमन के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार जैसी सुविधाएं। साथ ही ये स्टेशन होंगे पर्यावरण अनुकूल और दिव्यांग फ्रेंडली भी। पिछले एक दशक में भारतीय रेलवे नागरिकों की सुरक्षा के प्रति बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। सुगम रेल और सड़क यातायात तथा रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं यात्रा में समय की बचत के लिए देश भर में ओवरब्रिज और अंडरपास का थर्ड मोविता मंडल, यह आज का कार्यक्रम जो है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे भारत भर में 554 रेलवे स्टेशन और 1500 आरओबी और आरयूबी इसका लोकार्पण कर रहे हैं। उस जगह पे उद्घाटन था, उस जगह पे उनको लोकार्पण किया गया है। और सियालदह मंडल में हम लोग 8 स्टेशन्स को आज इनॉग्रेशन किया है और 2 लिमिटेड हाइट सबवे जिसमें कि हम यहाँ खड़े हैं वह 121 नंबर और 147 नंबर, ये 2 लिमिटेड हाइट सबवे का भी हम लोगों ने पब्लिक को समर्पित किया है। पब्लिक आज ऑडियंस के तरह आए थे, इसके बारे में क्या? यहाँ जो हमारे यहाँ जो आज ऑडियंस आए हैं ये सभी जगह से आए हैं, सुदूर गांव से भी आया है, लोकल पंचायत से, मुर्शिदाबाद से, बहरामपुर से और महुआ विलेजेस और जितने भी आसपास के पंचायत हैं सभी जगहों से लोग यहां पे आए हैं। तकरीबन हमारे यहां जो सीटिंग अरेंजमेंट थी 1500 के अराउंड सीटिंग अरेंजमेंट थी, तो मैंने देखा कि सभी लोग यहाँ पर पूरी सीटिंग अरेंजमेंट भरी थी, कुछ लोग खड़े भी थे। कुछ हमारे यहाँ एमपी और एमएलए जो आने वाले थे वो नहीं आ पाए, लेकिन उनके प्रतिनिधि लोग आए थे यहाँ पे। कुछ नेशनल अवार्डीज लोग यहाँ पे वर्तमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और कुछ अवार्डीज लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। पंचायत के प्रमुख, रिटायर्ड कर्नल्स और जो लोकल स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स इस कार्यक्रम का हिस्सा थे। बड़े नंबर्स यहाँ पे बच्चे और बच्चियों का भी था जो कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में
हमारा योगदान दिया है उन्होंने।